देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं फरजाना। दिल्ली में एक बड़ा दुखद हादसा, दिल्ली के होटल अर्पित पैलेस में भीषण आग लग गई। सूत्रों के हवाले बताया जा रहा है कि 17 लोगों की मौत हो चुकी है और घायलों को गंगाराम अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के करोल बाग के होटल अर्पित पैलेस में भीषण आग लग गई है। होटल में कुल 68 लोग थे। सूत्रों के हवाले बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आने से एक बच्चे समेत 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं फायर कर्मियों ने अब तक करीब 35 लोगों को बाहर निकाला। हालांकि अभी कुछ अन्य लोगों के फंसे होने की खबर है। वहीं अब तक राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 17 मृतकों को लाया गया है और आरएमएल लेडी हॉर्डिंग के अलावा कुछ घायल गंगाराम अस्पताल भी ले जाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक करोल बाग के होटल अर्पित पैलेस में आग सुबह करीब 4:30 बजे लगी। गहरी नींद में सोए लोग इससे पहले कुछ समझ पाते तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी थी। जब लोगों को इसकी खबर हुई तो लोगों में दहशत फैल गई। वहीं चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक होटल में कुछ अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और फायर ब्रिगेड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही 26 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। होटल में करीब 40 कमरे हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं आग लगने के बाद जो 3 लोग चौथी मंजिल की खिड़की से कूदे थे उन 3 की मौत हो चुकी है। 4:30 पे सर पता चलेगा अब तक कितने लोगों की जान और माल की हानि हुई है। 17 लोगों की डेथ। टोटल कितने लोग सर अंदर मौजूद थे? 60-70 लोग मौजूद थे, जिनमें से 35 हमने निकाले हैं, कुछ अपने आप निकले हैं। सर आग का क्या कारण रहा ये पता इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अभी हमने फायर फाइटिंग ऑपरेशन खत्म किया। सर पता चला कि 3 लोगों ने खिड़की तोड़ के भी कूदे हैं, उनका क्या हाल है? उन्हें 2 लोग कूदे थे, दोनों की डेथ हो गई। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।